सचे नाम दा सचज दा दे रंग आपे हावी सोनिया कोलो दी जावे ना तुलांग पासे हावी सोनिया कोलो दी जावे ना तुलांग पासे दुनिया दे विच रूहां ते सदा नहीं रहंदियां दुनिया दे विच रूहां ते सदा नहीं रहंदियां लाह खट के जान भजन जो बहंदियां लाह खट के जान भजन जो बहंदियां दुनिया दे विच रूहां ते सदा नहीं रहंदियां दुनिया दे विच रूहां ते सदा नहीं रहंदियां छड़ के जहान सब ने तुर जाना अपना घर हुण होया बेगाना छड़ के जहान सब ने तुर जाना अपना घर हुण होया बेगाना अपना बस जे हुंदा जुदाइया कानू पैंदियां दुनिया दे विच रूहां ते सदा नहीं रहंदियां लाह खट के जान भजन जो बहंदियां दुनिया दे विच रूहां ते सदा नहीं रहंदियां हुसन जवानिया नू हर कोई चाहवे मथे दिया लिखिया नू कौन मिटावे हुसन जवानिया नू हर कोई चाहवे मथे दिया लिखिया नू कौन मिटावे कर्म दे अनुसार ते दुख सुख सहंदियां दुनिया दे विच रूहां ते सदा नहीं रहंदियां लाह खट के जान भजन जो बहंदियां दुनिया दे विच रूहां ते सदा नहीं रहंदियां जिन्हां ने गुरु तो तन मन वारिया पण मिठा मन के ते शुक्र गुजारिया जिन्हां ने गुरु तो तन मन वारिया पण मिठा मन के ते शुक्र गुजारिया चौरासी दे गेड़ फेर ना पैंदियां दुनिया दे विच रूहां ते सदा नहीं रहंदियां लाह खट के जान भजन जो बहंदियां दुनिया दे विच रूहां ते सदा नहीं रहंदियां तन किरपाल रूहां आण के ते तारियां वीर अजैब दिया कटिया बीमारिया तन केर पाल रूहायान के ते तारिया वीर अजैब दिया कटिया बीमारिया मंजल तय कर जान जो रस्ते पैंदियां दुनिया दे विच रूहां ते सदा नहीं रहंदियां लाह खट के जान भजन जो बहंदियां दुनिया दे विच रूहां ते सदा नहीं रहंदियां दुनिया दे विच रूहां ते सदा नहीं रहंदियां महमूद गजनवी इतिहास दे विच आउंदा है के वो रात नू भेस बदल के अपनी प्रजा दा ख्याल करदा सी कि की कोई दुखी है जां सुखी है कैसा हो रहा है
एक दफा महल तो बाहर निकलिया, अगे चार चोर सन। वो पुछन लगे कि तुसी कौन हो? वो कहिंदे जी असी चोर हैं। उन्हां दी सच्चाई बड़ी पसंद आई। जद उन्होंने महमूद गजनवी नूं पुछया कि तुसी कौन हैं, वो कहिंदा मैं भी चोर हैं। थानू पता ही है जद एको ख्यालां दे बंदे मिल जावे मिल जाण तो अगे बढ़न दा असी सोचदे हैं। वो कहिंदे अपना गुरोह तां बन गया पर इहदे विच्चों किसे नूं सरदार भी टिकना चाहीदा है। हुण सरदार टिकण वास्ते गुण देखने एक दूजे दे बड़े जरूरी सन। वो कहण लगे एक दूजे नूं गुण पुछण लगे। एक कहण लग्या कि मैं एक वारी जद किसे नूं रात नूं देख लवां दिने आसानी नाल उसनूं पछाण सकदा हैं। दूजा कहण लग्या कि मैं जानवरां दी बोली नूं अच्छी तरह समझ लैना है। तीजा कहण लग्या कि मैं धन दा पता कर लैना है क्योंकि उन्हां वक्तां दे विच चांदी दी करंसी सी आम तौर ते लोक खरां दे अंदर दब के रखदे सन। चौथे नूं पुछया वो कहिंदा मैं अगर किसे उच्चे महल ते चढ़ना होवे मैं इस किस्म दी कमंद लाउणा है कि वो पट्टी नहीं जांदी भावें कितने भी आदमी उपर क्यों ना जा वड़न। हुण महमूद गजनवी सोच रहा सीगा कि मैं इन्हां नूं की जवाब देऊंगा, मेरी भी वारी आउण वाली है। जद उस नूं पुछण लगे कि हाँ तुसीं भी अपना गुण जाहर करो, वो कहण लग्या कि मेरी दाढ़ी दे अंदर एक गुण है। सैकड़े आदमी फांसी दे चढ़दे होण, मैं एक वारी हिला देवां तो सारे फांसी दे तख्ते तो लै सकदे है। एक गुण सारिआं चोरां नूं पसंद आया। उन्हां ने महमूद गजनवी नूं बादशाह आपदा सरदार मन लिया। सलाह कीती कि राजे दे महल नूं चोरी लाइए, पाड़ लाइए, सन लाइए, माल इकट्ठा किया, लै गए चौके। हुण महमूद गजनवी नूं पता तां सीगा कि वह माल कित्थे है, कौन है। सुबह कचहरी दे विच सब नूं सद भेजिया, आ गए। जद वह महल नूं चोरी करन वास्ते जा रहे सीगे रस्ते च कुत्ता भी भौंकिया सीगा। वो पुछण लगे कि ये की बोलता है? वो कहिंदा कि ये कहिंदा कि तुहाडे विच एक बादशाह भी है। ये सुन के सारे खिड़खड़ा के हसे। जिहदे विच ये वसफ सी कि मैं एक बारी रात नूं देखा उसनूं पछाण सकदा हाँ। जद बादशाह सलामत दे सामने गया, वो कहण लगे असीं इकबाल करदे हैं, वायदा करदे हैं कि अगे वास्ते कदे चोरी नहीं करांगे, कोई भैड़ा खोटा कर्म नहीं करांगे, तेरे वफादार होकर रहांगे, पर हुण तुसीं दाढ़ी हिला दिओ। दाढ़ी दा हिलणा ही सी और उन्हां चोरां ने इकरार कर लिया साफ बंदे बनण दा, वफादार रहण दा। उन्हें उन्हां नूं माफ कर दिता। ये तां इक कहानी है। सच्चाई की है? एक दफा महाराज कृपाल महाराज सावण सिंह दे चरण कुट रहा सी, रात दा टाइम सी। बातों बातों च पुछण लगे कि महाराज जी अंदर किस तरह महसूस होएगा, वो कैसी वस्तु है? वो कहिंदे वेख कृपाल सिंह बाहरली नक्शा दा और अंतरी नक्शा दा कोई फर्क नहीं हुंदा, तू देख सकदा है अंदर यही कुछ दिखना है। वो परमात्मा क्यों इंसानी जामे विच आउंदा है? असी भी उन्हां चोरां दी तरह
हर प्रकार की ठगी बेईमानी करते हैं, नशे पत्ते खाने वाले हैं, वो परमात्मा भी आपका भेस बदल के इंसानी जामे विच खबर करता है। और सानू अपना भेद दसदा है कि मेरे अंदर ये गुण है। जद असी एबी पापी अंदर जाने हैं, उदी कचहरी च दाखिल होने हैं, उदो असी यही कहने हैं कि अगे वास्ते असी इकरार करते हैं, असी कोई गलती नहीं करांगे, तेरे हुक्म विच रवांगे, सानू माफ कर दे प्यारे। वो रहमत दा समुंदर है, माफ़ी दा समुंदर है, वो माफ़ करन वास्ते ही आउंदा है। आप दे अगे छोटा जिहा शब्द गुरु रामदास जी महाराज दा रखिया जाता है। पहले आप नाम दी महिमा गाउंदे है कि वो कितने भागशाली जीव हैं जिन्हां नूं नाम मिल जाता है, जिन्हां नूं इंसानी जामे विच आके नाम नहीं मिलता गा, उन्हां दा किस तरह जन्म बर्बाद जाता है, किसी लेखे दे विच ही नहीं आता गा नाम तो बगैर। सब धर्मां दे लोग ये तो मनते हैं कि नाम तो बगैर मुक्ति नहीं, नाम ही मुक्ति दाता है, लेकिन किसी ने यह नहीं पता कि वह नाम है की चीज़, वो नाम मिलता कितों है और उस नाम दे की फायदे हैं। सिर्फ जवानी ही जमा खर्च है कि नाम बगैर मुक्ति नहीं, लेकिन संत महात्मा वो नाम रूप हुंदे हैं, वो ही सानू नाम दे नाल शब्द दे नाल जोड़ते हैं, वो ही सानू आके नाम दे फायदे दसते हैं कि प्यारे हो की नाम दे फायदे हैं, नाम किस ताकत नू कहिंदे है। पलटू साहब कहिंदे है, नाम नाम सब कहत है, नाम ना पाया कोई, नाम ना पाया कोई, नाम की गत है न्यारी। पलटू साहब बड़ा नतड़क बयान करते हैं कि संति नाम दे वक वकार है, उही नाम नू मिला सकते हैं। गुरु रामदास जी प्यार नाल कहिंदे है, जिन्हां दे हिरदे विच नाम नहीं वसिया, इंसानी जामा पा के नाम दी तड़फी पैदा नहीं होई, कहिंदे उन्हां दी माता ने उन्हां नू जन्म ही क्यों दिता, वो वांझी क्यों ना बैठी रही, क्योंकि उस माता दा भी जन्म लेखे विच हुंदा है जिहदा पुत भगती करदा है, नाम जपदा है। कबीर साहब कहिंदे है, जननी जने ता भगत जन, या दाता जा सूर, नहीं ता जननी वांझ रहे, काहे गवाए नूर। कबीर साहब कहिंदे है कि जिहड़े परमात्मा दी चोण विच नहीं आए, जिन्हां नूं नाम नहीं मिलिया, नाम दी कमाई नहीं करदे, आप कहण लगे जो प्रभ कीए भगत ते वांझ, तिन ते सदा डराने रही है। संत महात्मा सानू दसदे है कि नाम दो प्रकार दा है, एक वर्णात्मक है, एक धुनात्मक नाम है। वर्णात्मक नाम महात्मा उसनू कहिंदे है जिहड़ा लिखिया जांदा है, पढ़िया जांदा है, बोलिया जांदा है, जिसनू जवान अदा करदी है। लेकिन जो धुनात्मक नाम है, ये लिखण पढ़न बोलण विच नहीं आउंदा गा। वर्णात्मक नाम जिरिया है साधन दा, फैले ख्याल नूं इकट्ठा करन दा, लेकिन धुनात्मक नाम जो है वो मंजिल है। हाँ भाई, जय श्री महला चौथा पन्ना 697। जिन हार हृदय नाम नाम बस्यो, तिन मात की जय हर भांजा, तिन सुनी देह फिर है बिन आवे, ओए खप खप मुए करांजा। नाम बड़ी अमुल दात है, ये सानू साधु संतां तो ही, मालक दे प्यारां तो ही प्राप्त हो सकती है, लेकिन साडा जानी दुश्मन सानू अजीब अजीब किस्म दे तरह तरह दे अभ्यासां विच फसाउंदा है। कदे असी जप तप करदे हैं, कदे पूजा पाठ करदे हैं, कदे पुन दान करदे हैं, कदे धर्म स्थानां दी यात्रा करन तुर पैंदे हैं, और कदे असी अष्टांग जो करते हैं,
और कदे असी पढ़ पढ़ाई दी भूल भुलाइया विच पै जाने हैं और महात्मा सानू दसदे है कि असी अपना जिहड़ा वक्त हुंदा जिंदगी दा वह सारा ही इन्हां गुंझलां दे विच इन्हां मार्गां दे विच असी बर्बाद कर दिंदे हैं। ये इस तरह है जिस तरह आपां छाछ दे अंदर कोई मदानी पाईए रिड़कीए जिन्ना मर्जी उसनू पानी दे विचों आपां रिड़की जाइए झागा आएगी मक्खण नहीं आएगा। शब्द नाम की कमाई जो है वह एक किस्म की दुध दे विच मदानी है मक्खण आउंदा है। सो सुर शब्द का अभ्यास जिहड़ा है नाम का जिहड़ा भेद है नाम का जो रस्ता है यह सिर्फ सानू साधु संतां महात्मा तो ही मिलता है और इंसानी जामे विच ही असीं इहनू प्राप्त कर सकते हैं। नाम नू प्राप्त करन वास्ते सानू कोई धर्म परिवर्तन नहीं करना पैंदा गा समाज नहीं छड़ना पैंदा गा और ना सानू बाल बच्चे छड़न की जरूरत पैंदी है ना कोई कारोबार बदलन की तब्दील करन की लोड़ पैंदी है। असीं आपो अपना कारोबार करना है आपो अपने समाजां दे विच रहना है दुनिया की जो सानू जिम्मेवारी मिली है वह करदिया होया सिर्फ ये टाइम तीन चार घंटे का निकालना है अपना अभ्यास करना है। जो असी रोज़ रोज़ अभ्यास करते हैं वो सानू मुहारत पैदा हो जाती है और लेकिन महात्मा की रहनुमाई तो बगैर असी इस चीज़ को कर नहीं सकते गे। महाराज सावन सिंह सजिद कसरा पिंड गए जो महाराज सा कृपाल सिंह का पिंड सीगा उत्थे एक गर्म ख्यालीए लोगों की सभा बनी हुई सी काफ़ी उन्होंने सवाल किए गए। एक आदमी कह लग्या कि महाराज जी तुसी फिर अपना कोई मजहब बनाओ एदा कोई नाम रखो। वो हस के कह लगे कि खूह पहले बथेरे पुटे हुए है समाज पहले लोगों ने बड़े बनाए हुए है नवा पुटन की की लोड़ है। तेन सुनी दे फिर है बिन नावे ओए खप खप मुए करंजा मेरे मन जप राम नाम हर माझा मेरे मन जप राम नाम हर माझा। गुरु साहब प्यार ना कहंदे है के हे मन बड़े स्वाद बार दे लैले है बड़ियां लजतां लै लियां है बड़े फेरे ला ले है चौरासी मुक्कण दे विच नहीं आउंदी गी अज वक्त है तू नाम दी कमाई नू लग। सानू पता ही है कि मन जो है जदों असीं नाम दी कमाई दे विच लगदे हैं नाम दी तरफ ही आउंदे हैं मन दे करे स्यापा पै जांदा है दुख हुंदा है। इहनू पता है कि होर मैं किसी साधन ना वस विच नहीं आउंदा गा अगर ये शख्स ने नाम लै लिया कमाई करन लग पिया ये मैनू वस विच कर लेगा मैनू कैद कर लेगा। ये कैद होण तो डरदा होया मन जिहड़ा है ये सानू नाम शब्द की कमाई नहीं करन दिंदा गा। मन जिहड़ा कोई मित्र भी नहीं मन जैसा कोई दुश्मन भी नहीं भटकया होया मन तबाही मचा दिंदा है। शांत मन परमात्मा नू मिला दिंदा है। महात्मा सानू दसदे है अगर असी मन नू वस विच करना है तो सानू इस दी नेचुरल दे मुतलक सोचना पएगा यदि आदत दे मुतलक सोचना पएगा। सानू पता है कि मन लज्जत दा आशिक है स्वाद दा आशिक है लेकिन सदा लज्जत इस नू पकड़ भी नहीं सकती गी एक नू खांदा है दूजी नू पकड़दा है एक नू छड़दा है दूसरे नू जाके पकड़दा है। लेकिन महात्मा सानू दसदे है कि सब तो पहला असी इस नूं वो स्वाद देना वो लज्जत देनी है जिस नूं इह पा के तृप्त हो जावे और शांत हो जावे। वो लज्जत कीड़ी है शब्द दी है नाम दी है। आम महात्मा दसदे है कि एक कोई कौड़ियां मंग रहा है पैसे मंग रहा है अगर आपां उस तों उहदे कौड़ियां पैसे खोईए वो मरन मारन ते तैयार हो जाएगा आपां डालर उहदी तरफ कर देईए कौड़ियां वाली मुठ अपने आप ही ढिल्ली हो जाती है। इस तरह मन नूं अगर वस विच करना है तो इन शब्द नाम की लज्जत दे दो विषय बकारा दे स्वाद अपने आप ही छड़ दिंदा अपने आप ही फिके पै जांदे है। मेरे मन जप राम नाम हर माझा हर हर कृपाल कृपा प्रवताई गुर ज्ञान दियो मन समझा
कहने लगे जद भगवान परमात्मा मेहर करता है सानू संतां दी शरण दे विच लिआउंदा है संत साढ़े ते दया करते हैं सानू सच्चे नाम दे नाल जोड़ देंदे है कहने लगे फिर साड़ी समझ दे विच आउंदा है वो गुप्त नाम जिदे आधार दे उत्ते खंड ब्रह्मांड चल रहे है जिदे आधार जिसने सारी दुनिया की रचना पैदा की है कहने लगे वो ताकत वह नाम साड़ी समझ दे विच आ जाता है जो गुरु ज्ञान देंदे है वह ज्ञान साड़े समझ विच आ जाता है। हर हर कृपाल कृपा प्रभ तारी गुर ज्ञान दियो मन समझा हर कीर्तन काले जुग पद उत्तम हर पाये सतगुर माझा। चार युग है सतयुग है त्रेता है द्वापर है कलयुग है हर युगां दा दे विच एक कोई साधन कारगर नहीं हुंदा आपो अपने युगां दे अंदर परमात्मा दे मिलन दे साधन हुंदे है लेकिन कलयुग दे अंदर नाम ची मुक्ति रखी हुई है शब्द की कमाई ची मुक्ति रखी हुई है। कलयुग में नाम निशानी मुक्त कलयुग में बे नाम निशानी मुक्त न होगी निश्चय मानी स्वामी जी महाराज कहंदे है कलयुग में कर्म धर्म ना कोई नाम बिना आधार ना होई। प्यारे असी कलयुग दे अंदर पैदा होए हैं सानू कलयुग दा धर्म पढ़ना पएगा जो कलयुग दे विच मुक्ति दा साधन है मुक्ति दा तरीका है उसनू अपनाउणा पएगा। हर कीरत कलयुग पदे उत्तम हर पाये सतगुर लेकिन हरि कीर्तन नाम शब्द वर्ड लोगास असी अपने आप नहीं पा सकते गे सतगुरां दी शरण दे विच नाम रूपी गुरु दे पास जाके पूरे गुरु दी शरण विच जाके असी इस नूं पा सकते हैं। महात्मा सिर्फ सानू अक्षर ही नहीं दसदे गे महाराज सावण सिंह कहिंदे हुंदे अगर अक्षर नाम हुंदा लफ्ज नाम हुंदे तो गुरु कोले जाण दी की जरूरत सी। महात्मा ने गुरु की सेवा बड़ी कीती बड़े अभ्यास किए हुंदे है आप कहने लगे कोई लफ्ज लेके जपया जा सकता नहीं नाम तो वजह हुंदी है गुरु नानक कहंदे गुर का शब्द गुर था टिका होर था प्रगट ना होए। आप कहने लगे संत महात्मा वो नाम नू साडे अंदर टकाउंदे है प्रगट करदे है जद महात्मा सानू नामदान दा भेद दिंदे है उदों असी आपो अपने कर्मां दे मुताबक प्राप्त करते हैं कर्मा के मुताबक असी उस कीर्तन नू आवाज़ नू भी सुनते हैं अकवाल करते हैं उस प्रकाश नू भी देखते हैं अकवाल करते हैं। पति पत्नी के इको जे कर्म नहीं होंगे गए सब नू इको जा अनुभव नहीं होंगे गा महात्मा दसदे है कि आपो अपने कर्मा मुताबक सन जरूर अनुभव होंगे है जो महात्मा वस्तु साढ़े अंदर टकाते हैं। हर कीर्तन कलयुग पद उत्तम हर पाये सतगुर माझा बलहारी सतगुर अपनी जिन गुप्त नाम परगाझा। जद असी उस प्रकाश नूं देखदे हैं आवाज़ नूं सुन लग जाने हैं फिर सानू गुरु की महिमा का ज्ञान आता है फिर सानू पता लगता है कि महात्मा की चीज देने वास्ते आते हैं किड्डी अमोलक हुंदी है। आप कहने लगे मैं उन्हां तो बलिहार जाना है कुरबान जाना है जिन्होंने वह गुप्त नाम जो कण कण दे विच व्यापक सी जिहड़ा असी कदे देख नहीं सकते सीगे कहने लगे उन्होंने प्रगट कर दिता। सतगुरे अपने जिन गुप्त नाम परगाझा दर्शन साध मिले उड़ भागी सब के लिख गए गवाझा। आप कहने लगे ऐसी आत्मा जो नाम नाल जुड़ जाती है नाम नू प्राप्त कर लेंदिया है वो दूसरियां नू भी जाके प्रेम प्यार नाल दसदे है कि प्यारे हो साधु दे दर्शन नाल साडे अनेकां पाप कट्टे जांदे है और अनेक किस्म दे साडे ऐब कट्टे जांदे है और अगर कोई दुनिया दे विच उत्तम तो उत्तम चीज़ है देखण वाली वो साधु दे दर्शन हन।
दर्शन साध मिलियो वड़ भागी सब किल विख गई गवाजा सतगुर शाहू पाया वरदाना हर किए वो गुण साझा। आप कहने लगे सतगुरु शाह है, नाम दा शाह है, वो दाता है, नाम दी दात दिंदा है। कहने लगे वो साड़ी सांझ परमात्मा दे नाल करा दिंदा है। बड़े साड़े उच्चे भाव सी, सानू इस किस्म दा संत मिलिया, गुरु मिलिया, जिन्हें साड़ी सांझ वो परमात्मा ना करा दिती। सतगुरु शाहू पाया वड़दाना हर किए वो गुण साझा जिनको कृपा करी जग जीवन हर उर धार्यो मन माझा। जद असी सत्संग सुनते हैं दिल च ख्याल आता है कि महात्मा ने कड़ा कोई फीस लाई है नाम शब्द की, उन्होंने मुफ्ती दे देना है, जाके ले लवांगे। लेकिन नहीं प्यारे हो, ये साढ़े अपने वस विच गल नहीं। गुरु साहब कहिंदे आ प्यार ने, प्यार दे नाल कि जिन्हां दे उत्ते उह परमात्मा दया करदा है, मेहर करदा है, उन्हां नूं ही महात्मा दी शरण विच लिआउंदा है। और महात्मा दे पास उन्हां लोकां दी अमानत हुंदी है, उह कदे भी अमानत किसे दी रखदे नहीं। परमात्मा ने उन्हां नूं अमानत देण वास्ते भेजिआ हुंदा है। नाम उन्हां नूं ही मिलदा है जिन्हां दा परमात्मा दे दर अंदर फैसला हो चुकिया हुंदा है कि हुण इन्हां नूं मैं 84 विच दुनिया विच जम्मण मरण दे चक्कर विच नहीं भेजणा गा। जिनको कृपा करी जग जीवन हर उर धार्यो मन माझा धर्म राई दर कागद फारी जन नानक लिखा समझा। सारा शब्द कह के आखिर की कहिंदे है की नाम दा फायदा है, क्यों महात्मा दी शरण विच जाना है, महात्मा दे अंदर की गुण रख्या है। कहन लगे जो सेवक दे कर्म है जन्मा जन्मांतरां दे, उन्हां दा हिसाब उह धर्मराज ना कर लैंदा है। और काल महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे सीगे किसे दे कर्म नूं इक रत्ती जिन्हां नूं भी माफ़ नहीं करदा, या गुरु भेजे भोगे या शिष्य भोगे, शिष्य विच तां ताकत ही तुहानूं पता जिन्नी खे गए कंडा वजे सारी रात गुरु दा ध्यान धरदे आ कि जी तुसीं सानूं इह दर्द ना होण दिओ। तो आप कहण लगे इह गुरु दे विच ताकत हुंदी है, धर्म राए दर लेखा समझै, वह जो उस जीव दा जन्मा जन्मांतरां दा लेखा है वह सारे नूं समझ लैंदा, आपदे हथ विच लै लैंदा है, और जो उहदा मुल है वह चुका दिंदा है। आप कहण लगे जन नानक लेखा समझा, आप कहण लगे वह साडा लेखे का कागज ही फाड़ दिंदा है। इदों वध होर की दया है हो सकती है, जिहड़ा महात्मा ना कौम छडाए, ना मजहब छडाए, ना साडे उत्ते बोझा ही बन के बैठे, आपदी दसानोहां की किरत करके अपना गुजारा करता होवे, अगर फिर भी असी ऐसे महात्मा तो फायदा ना उठाइए, इदों वध साडी लापरवाही की हो सकती है।